नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के संपूर्ण सिलेबस को घटनाचक्र बुक से कवर कर रहे हैं। और देखिए, हम सब सबसे पहले भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो कुल 13 चैप्टर थे, उन सभी को हम सब पढ़ चुके हैं। अब देखिए, उन 13 चैप्टर से जितने भी एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी का निचोड़ हम सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए, कुल जो है 50 प्रश्न पढ़ेंगे। यदि आप सब थियोरी क्लास नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो हम सब इस वीडियो में जो पीजी के सिलेबस के अंतर्गत भारतीय इतिहास है और उससे यानी उसके अंतर्गत जो 13 चैप्टर हैं, उन सभी का निचोड़ हम सब एक ही वीडियो में कुल 50 प्रश्नों में कवर करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय इतिहास से आपको एग्जाम में 5 नंबर देखने को मिलेगा, तो यदि आप लोग 5 नंबर पक्का करना चाहते हैं एग्जाम में, तो पीछे का वीडियो जो थियोरी वाला वीडियो है जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम सब देखते हैं जो आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है कि सिंधु घाट सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो देखिए, यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो था, यही जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो आप सब इसे याद रखिएगा। तो इसका हम सब चलिए व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। और देखिए, अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे, अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था, देखिए वह स्थान जो था वह मोहनजोदड़ो था, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया है, यहाँ पर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तमिल है कि खरोष्टी है कि अज्ञात है कि ब्राह्मी है, इसका हम सब व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जो लिपि है वह देखिए अज्ञात है। देखिए, अभी यह पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक, तो हम सब इसका व्याख्या देखते हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। और देखिए, यह लिपि चित्रात्मक थी, अभी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो यदि एग्जाम में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो यह आप लोग करिएगा कि अज्ञात लिपि है, क्योंकि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। देखिए, अगला प्रश्न दिया है, तीसरा प्रश्न, हम सब इसे देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था रेगिस्तान का टीला कि नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला कि जीवन का टीला। देखिए, मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वह मृतकों का टीला था, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए, इसी को, इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट कीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका हम सब व्याख्या देखते हैं। देखिए आप सब, मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो आप लोग याद रखिएगा, तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वह देखिए मृतकों का टीला है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम सब प्रश्न देखते हैं। देखिए, आगे का जो प्रश्न है दिया कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। विशाल स्नानागार है कि धान्यागार है कि स्वस्तंभाल है कि दो मंजिला मकान है। तो इसका देखिए जो सही उत्तर होगा वह धान्यागार होगा। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन है वह धान्यागार है, तो इसको हम सब देख लेते हैं। तो देखिए आप सब, मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में अभी पूछ सकता है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल था कि दूध और इसके उत्पाद था कि चावल और दालें की सब्जियां और फल। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो वैदिक कार्यों का जो प्रमुख भोजन था वह देखिए दूध और इसके उत्पाद था। तो इसका आप सब व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए आप सब, इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। वैदिक कार्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था।
ऋग्वेद में दूध में यव यानी जव डालकर क्षीर पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम बनाव भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। और देखिए ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है, भी याद रखेगा, पूछ सकता है ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, तो देखिए चावल और नमक का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम सब। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में था। तो देखिए जौ यानी कि यौ, कि जय यानी ओट, कि राई की गेहूं। देखिए अभी हम सब पहले प्रश्न में इसको हम सब देखे हैं। तो देखिए मनुष्य द्वारा जो सर्वप्रथम जौ यानी यौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते, याद रखिएगा, तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, चांदी का, कि सोना का, कि लोहा का, कि तांबा का। देखिए वैदिक लोगों द्वारा जो है सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, तो इसका आंसर चलिए व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न का। देखिए ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अभी याद रखिएगा जो ऋग्वैदिक आर्य थे वे लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आठवां प्रश्न है कि वेद शब्द का अर्थ है। तो देखिए वेद शब्द का जो अर्थ होता है वह ज्ञान होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, वेद शब्द का जो अर्थ होता है वह ज्ञान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम सब देखेंगे तो इसका जो देखिए सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को देखिए इन तीनों को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो देखिए हम सब थियरी पार्ट में सभी कंप्लीट किए हैं, हम सब पढ़े हैं, यदि आप सब वह पढ़े होंगे तो आप लोगों को उत्तर देने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती होगी। अब देखिए हम सब यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया कि अशोक मौर्य का रुमंदेही स्तंभ मूर्ति के द्वारा, कि पीर वृक्ष के द्वारा, कि बौद्ध मठ के द्वारा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए सही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है वह अशोक मौर्य का रुमंदेही स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है। तो इसका हम सब इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए अशोक के रुमंदेही लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया, यह सब आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 11 है दिया कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, ज्ञातिक के, कि मौर्य के, कि शाक्य के, कि कुरु के। तो देखिए यह सब हम सब थियोरी पार्ट में कवर किए हैं, तो इसका हम सब उत्तर देखते हैं। देखिए बुद्ध जो थे वह शाक्यगढ़ के, देखिए शाक्य वंश से इनका संबंध है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इनके पिता का नाम देखिए जो था वह शुद्धोधन था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 है दिया है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, वैशाली में, कि कश्मीर में, कि राजगृह में, कि पाटलिपुत्र में। देखिए प्रथम बौद्ध संगत की जो आयोजन की गई थी वह राजगृह में की गई थी, आप लोग याद रखिएगा। तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। और देखिए इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता माँ कश्यप ने की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम सब प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो देखिए महावीर स्वामी जो हैं यही भारत में जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो होगा वह सही होगा। तो इसका हम सब व्याख्या देखते हैं। देखिए भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है, और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर यानी कि अरिष्ट नेम के साथ मिलता है। और देखिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि यहाँ पर हम सब देखते हैं प्रश्न दिया है जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। देखिए जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वह देखिए ऋषभदेव थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा, हम सब अभी
प्रश्न नंबर 13 में इसका व्याख्या देखे आए। देखिए अगला प्रश्न है कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण प्राप्त कहाँ किया था, तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो वर्धमान महावीर ने जो परिनिर्वाण प्राप्त किया था वह देखिए पावापुरी में किया था, यहाँ पर पावा दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए व्याख्या दिया कि वर्धमान महावीर को ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न दिया है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, बताइए त्रिपिटक कहते हैं कि वेद कहते हैं कि आर्य सूत्र कहते हैं कि अंग कहते हैं। देखिए 16 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। आप लोग याद रखिएगा जैन साहित्य को देखिए आगम सिद्धांत कहा जाता है, इसके अंतर्गत 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्ण 6 छेद सूत्र 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। और देखिए बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, यह भी याद रखिए एग्जाम में पूछा गया कि इनमें से त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो देखिए बौद्ध धर्म से होता है त्रिपिटक का संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न दिया है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, तीसरी बौद्ध परिषद से कि कलिंग युद्ध से कि बौद्ध धर्म को अपनाने से कि मिशनरी को सीलोन भेजना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। तो अशोक की प्रशासनिक नीति में जो भारी परिवर्तन जो हुआ वह देखिए कालिंग युद्ध के बाद हुआ, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो दिया कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धर्म घोष की नीति को अपना गया, यह भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए इन प्रश्नों को देखिए आपसे प्रश्नों के साथ साथ जितना इसका व्याख्या है उससे अधिक देखिए प्रश्न से अधिक जो व्याख्या महत्वपूर्ण, इसलिए आप सब व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा और याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए ए सही होगा। तो देखिए आप सब मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की गुर्जरा निटूर तथा उदयकोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 19 दिया है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया, राक एडिक्ट सेकेंड, किराक एडिक्ट फोर्थ, किराक एडिक्ट सिक्स, किराक एडिक्ट एट। तो देखिए यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी सही होगा। तो 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। और देखिए यहाँ पर यह घटना अशोक के अभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया और युद्ध त्याग की घोषणा की, तीसरे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए दिया है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, तो देखिए आप सब जो अशोक के शिलालेख थे वह सभी देखे वह ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं, यह भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का हम सब पूरा व्याख्या देखते हैं, देखिए आप सब अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खड़ोसी लिपि में, तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख आर्मेइक लिपि में, सरेकुना अभिलेख आर्मेइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। और देखिए इसके अलावा सभी शिलालेख लघु शिलालेख स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख के सभी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हुए हैं, तो आप सब इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम सब, देखिए प्रश्न नंबर 21 दिया है कि देखिए इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया। दिया है कि निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया, तो यहाँ पर देखिए इसका सही जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर इसका डी से होगा, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। तो इसका हम सब व्याख्या देख लेते हैं, देखिए दिया है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार डी आर भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है, यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पर हम सब देखते हैं, दिया कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था, समुद्रगुप्त को कि चंद्रगुप्त मौर्य को कि अशोक को कि कनिष्क को। देखिए हम सब यह प्रश्न अभी 2-3 प्रश्न पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद हो गया होगा। तो देखिए यदि हम सब यहाँ पर देखेंगे तो मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न दिया है कि मेहरौली में
जंग रहित लौ स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त वंशों ने कि सातवाहनों ने कि मौर्य ने कि कुषाण ने? देखिए इस प्रश्न का जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो मेहरौली का लौ स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में मेहरौली स्थित लौ स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान यानी मेटालुगरी के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था स्कंदगुप्त था कि समुद्रगुप्त की चंद्रगुप्त द्वितीय की कुमारगुप्त? देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है और इसकी माता का नाम दत्त देवी था और इसका काल गुप्त काल का स्वर्णयुग माना जाता है, यह भी याद रखिएगा। एग्जाम में पूछे किसके काल को गुप्त काल का स्वर्णयुग माना जाता है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को। अगला प्रश्न देखते हैं हम सब। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि हरिश्चंद्र निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? अशोक का कि समुद्रगुप्त का कि चंद्रगुप्त का कि हर्षवर्धन का? देखिए हरिश्चंद्र जो था वह समुद्रगुप्त का राजकवि था, आप सब इसे याद रखिएगा। और देखिए हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिश्चंद्र ने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की तथा इसे कविराज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त को ही कविराज भी कहा जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम को कि स्कंदगुप्त को कि कुमारगुप्त को कि समुद्रगुप्त को? देखिए 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेखों में उसे लिच्छवी दोहित्र यानी कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए हम सब पीछे पड़े हैं तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आप सब इसे याद रखिएगा। देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। दिया कि समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान कई युद्धों का सामना किया परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया, रखेगा। देखिए एग्जाम यह भी पूछ सकता है कि कौन इतिहासकार जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया, याद रखिएगा विंसेंट स्मिथ, यही जो है इन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो देखिए हर्षवर्धन को जो पराजित किया था वह पुलकेशिन द्वितीय ने किया था, आप सब इसे याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया कि हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, देखिए चालंग वंश का शासक था, ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो देखिए हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वह थानेश्वर थी, तो आप सब इसे याद रखिएगा। देखिए हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। राजवर्धन के मृत्यु के उपरांत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना और बाद में उसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन देखिए प्रारंभ में उसका जो राजधानी था वह थानेश्वर ही था और देखिए बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 दिया है, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली थी? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए सही होगा। तो रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदिवरा एवं प्रभात जैसी उपाधियां धारण की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 दिया है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? तो देखिए दिल्ली का जो कुतुब मीनार बनवाया गया था वह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, तो इसको हम सब देखते हैं इस प्रश्न का संपूर्ण व्याख्या। देखिए कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक यानी जिसका शासनकाल देखिए 1206 से 1210 ईस्वी तक था, ने किया एवं इल्तुतमिश के द्वारा कार्यकाल इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ। और देखिए प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया, अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया।
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी। और देखिए, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर दो और मंजिलों का भी निर्माण करवाया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दिल्ली का कुतुब मीनार जो बनाया गया था वह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। तो देखिए हुए जो दो वंशज थे वह गुलाम तथा तुगलक वंशज थे। तो आप सब याद रखिएगा, देखिए खिलजी शासकों से पहले गुलाम वंश तथा खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश का शासन था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए खिलजी शासक जो थे उन्होंने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया, और देखिए गुलाम वंश जो था वह 1206 से 1290 तक, और देखिए तुगलक वंश जो था वह 1320 से 1412 तक शासन किया, तो इसे भी आप सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए दिया कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई। तो देखिए जो बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, इसे आप याद रखिएगा। यह इसका एक बहुत प्रमुख है, यह देखिए व्यवस्था थी, आप सब इसका जो व्यवस्था है याद रखिएगा। इसका हम सब व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरम्भ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान रियासत नामक अधिकारी करता था, यह भी याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? अकबर ने कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कि बाबर ने कि हुमायूं ने? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भारत में चमड़े की प्रतीक वाली मुद्रा प्रारंभ किया गया था, आप सभी से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी था कि दौलत खान लोदी था कि बहलोल लोदी था कि सिकंदर लोदी था? तो देखिए लोदी वंश का जो संस्थापक था वह बहलोल लोदी था। देखते हैं इसका व्याख्या। लोदी वंश का संस्थापक देखिए बहलोल लोदी था, और देखिए कब तक? तो 1451 से 1489 तक के देखिए शासन है इसका, और उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था कि बलबन था कि उमर शेख था कि हुमायूं था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। भारत में देखिए बाबर जो था वह भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37 है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां था कि हुमायूं था कि बाबर था कि अकबर था? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, अभी हम सब पीछे पड़े हैं। तो भारत का जो प्रथम मुगल बादशाह था वह बाबर था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 21 अप्रैल 1526 को हुआ था मैं इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 दिया है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो देखिए यह जो पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई थी वह अकबर तथा हेमू के बीच लड़ी गई थी। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए पानीपत की द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर यानी बैरम खां एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया, बैरम खां ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था कि अबुल फजल ने कि इब्न बतूता ने कि बाबर ने? देखिए महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था वह बदायूनी ने किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रजमनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? देखिए हम सब पढ़े हैं सभी, हम सब अपने थ्री वाली क्लास में हम सब ये सभी पढ़े हैं। तो देखिए अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध जो संगीतकार तानसेन का जो मूल नाम था वह देखिए वह रामतनु पांडे था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। इस प्रश्न का हम सब व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू गौण ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है कि दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया। देखिए दीन इलाही जो धर्म है वह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का हम सब व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दीन इलाही नामक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे और सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन इलाही यानी दैवीय एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि विश्व प्रसिद्ध तख्त थे ताऊस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था। तो देखिए जो विश्व प्रसिद्ध तख्त थे ताऊस है जो था वह दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए व्याख्या जाए कि दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे के दीवार में बने एक कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्त थे ताऊस रखा जाता था। अगला प्रश्न है कि मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है। तो देखिए मोती मस्जिद जो है वह आगरा में स्थित है, तो आप सब इसे याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं हम सब। देखिए दिया कि मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो देखिए यहाँ पर जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था वह औरंगजेब को जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए दिया कि औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊँचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे, अभी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया कि नाना फडणवीस का मूल नाम था महादजी सिंधिया था कि तुकोजी होलकर था कि नारायण राव था कि बालाजी जनार्दन भानु था। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी सही होगा। तो नाना फडणवीस का जो मूल नाम था देखिए वह बालाजी जनार्दन भानु था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 46 दिया है शिवाजी का गुरु कौन था, नामदेव की रामदास की एकनाथ की तुकाराम। देखिए शिवाजी के गुरु जो थे वह रामदास थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में देखिए यहाँ से पिछले साल पीटी में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी 1630 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोणदेव का पड़ा। और देखिए इनके गुरु का नाम समर्थ रामदेव था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए दिया कि शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था 1627 ईस्वी में कि 1674 ईस्वी में कि 1680 ईस्वी में कि 1670 ईस्वी में। देखिए अभी हम सब पीछे पड़े हैं, तो शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था वह देखिए 1674 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर देखते हैं शिवाजी का राज्य अभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में हुआ था। 18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई के निधन हो गया, अतः तांत्रिक विधि से दूसरा जो अभिषेक निश्चलपुरी यानी गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 को संपन्न कराया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया कि निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, बाजीराव प्रथम को कि बाजीराव द्वितीय को कि बालाजी बाजीराव को कि बालाजी विश्वनाथ को। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए जो होगा वह सही होगा। तो बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया और शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरुला युद्ध प्रणाली को अपनाया। वह लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता था, तो याद रखिएगा बाजीराव प्रथम को जो है लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था, बाजीराव प्रथम की बालाजी बाजीराव की बालाजी विश्वनाथ की माधवराव। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। व्याख्या हम सब देखते हैं प्रश्न का। तो देखिए यहाँ पर दिया कि बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे और इनका शासन 1740 से 1761 ईस्वी तक था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, देखिए वह अल्बुकर्क थे, ये हम सब पढ़े थे, तो आप सब इसे याद रखिएगा।
व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए व्याख्या इसका होगा, भारत में पुर्तगाली साहित्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क यानी 1515 ईस्वी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता, 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार किया। यह सब आप सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था, 1828 में कि 31 में कि 49 में कि 56 में। तो देखिए 51 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही होगा। व्याख्या देखते हैं, देखिए व्याख्या दिया है, लाल डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, रामकृष्ण परमहंस की, स्वामी विवेकानंद की, आत्माराम पांडुरंग की, दयानंद सरस्वती। देखिए प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह आत्माराम पांडुरंग थे, आप सब इसे याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं, देखिए 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जात पात का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, यही सब था। तो आप सब इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया, प्रश्न नंबर 53, देखिए मिलान करना है यानी आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए तरफ धर्म सुधार आंदोलन, दूसरे तरफ संस्थापक दिया है। तो देखिए हम सब इसका देखते हैं, देखिए आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह दयानंद सरस्वती थे, तो पहले का बी होगा। और देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहरा थे, तो दूसरे का ए होगा। और देव समाज के देखिए जो संस्थापक थे वह शिव नारायण अग्निहोत्री थे, और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। तो अब देखिए पहले का बी और दूसरे का ए, तो देखिए पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी। तो देखिए ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो होगा वह बी यहाँ पर सही होगा, इसका सही मिलान हो रहा है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, देव समाज के शिवनारायण अग्निहोत्री और प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न दिया है कि उपनिवेशिक भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए भारत में के कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी वह विलियम जोन्स ने की थी, तो आप सब इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर व्याख्या दिया है कि विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी यानी हेस्टिंग के समय में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी, लाहौर के साथ कि मुल्तान के साथ कि आगरा के साथ पूरे बंगाल के साथ। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड जिसे कहा जाता है पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती थी, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया कि शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ती हुई थी। देखिए शेर शाह की जो मृत्यु हुई थी वह कालिंजर में हुई थी, याद रखिएगा। देखिए इस प्रश्न का व्याख्या दिया है कि ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोली के विस्फोट से शेर शाह की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक अग्निशस्त्र चला रहा था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न था। हम सब इस वीडियो में कुल 56 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े हैं, बस इन्हीं प्रश्नों को आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, पीछे का थ्योरी वाला क्लास देख लीजिएगा, आप लोगों को जो है भारतीय इतिहास में 5 नंबर मिल जाएगा। तो यदि आप सब पीटी में 80 नंबर से अधिक नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।